नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, इंडिया 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत। ट्यूनिशिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि उन्होंने 19 अगस्त को पंजाब और हरियाणा से 17 भारतीयों को सफलतापूर्वक वापस ला दिया है, जो इस साल फरवरी से लीबिया में हिरासत में थे। ट्यूनिशिया में भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भारतीय 20 अगस्त 2023 को 8:30 पर गल्फ एयर की उड़ान से सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। निकासी की सुविधा में भूमिका निभाने वाले आपके राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने त्रिपोली जेल से रिहा होने के बाद 17 युवाओं को लीबिया से निकाला गया था, जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के थे। वे ट्रैवल एजेंटों की वजह से पिछले 6 महीने से लीबिया में थे, जिन्होंने उन्हें इटली भेजने के नाम पर धोखा दिया था। विक्रमजीत सिंह साहनी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन एजेंटों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा, जिन्होंने युवाओं को धोखा दिया था, जिन्होंने इटली जाने की योजना बनाई थी लेकिन उन्हें लीबिया भेज दिया गया था।